हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं इसी तरह बहुत ही अच्छे यूज़फुल से आइडिया लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आइडिया नंबर वन है हमारा ये रुपट्टा है, जो सारे रुपट्टे जो है ना, मैं आइडिया जो है रुपट्टे के ही लेकर आई हूँ। तो आज हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने ना रुपट्टे को कर लिया है डबल, और एक बीच सेंटर में एक साइड से उठा लिया है और बीच सेंटर में रख दिया है। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से उठाएंगे और रख देंगे इसको, रुपट्टे को अपने, देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो बिल्कुल बीच सेंटर में रख देना है इसको। अब यहाँ से नीचे की साइड से जो है ना, हमने सिलाई लगा देनी है। जहाँ फोल्ड वाला साइड है ना, उधर हमने सिलाई देनी है, इतना ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है ना, हमारे सूट जो है ना पुराने हो जाते हैं और रुपट्टे ऐसे ही रखे रहते हैं, एज इट इज़ नए रहते हैं, तो समझ में नहीं आता हम कि इन रुपट्टों का करें क्या। तो हमने सोचा चलिए इसी का यूज़ कर लेते हैं, हम इसी का ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपको पसंद आने वाला है ये वाला ऑर्गेनाइज़र। तो आप लोग कहेंगे कि ये मशीन से भी तो कर सकते हैं हम लोग सिलाई, पर पता है क्या, हमारे पास ना कमेंट्स आते हैं कि दीदी प्लीज़, जो जिन लोगों से सिलाई नहीं आती है वो बोलते हैं कि ये हाथ का बताइए कुछ, जो मशीन से ना कर पाएँ क्योंकि हम लोग को मशीन नहीं आती। तो ये दोनों के लिए हैं, अगर जिसको सिलाई करनी हो वो सिलाई से कर सकते हैं, लेकिन जिसको सिलाई नहीं आती वो इस तरह से ना हाथ से कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए ही है वीडियो। तो इस तरह से हमने ऊपर के साइड भी ना सिलाई लगा ली है, इसमें 6 इंच हमने, इसमें 6 इंच की जो है ना ऊपर लंबाई रखी है। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी। अब इसका कॉर्नर इस तरह से लेंगे और सेट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम ना सिलाई लगानी है हमको इस तरह से कॉर्नर में करके। तो आप चाहें तो इसमें इस तरह से पहले निशान लगा लीजिए, फिर लगा लेना ना सिलाई, जैसे इस तरह से फटाफट से लगा लेते हैं। अब दूसरी साइड भी ना हमने इसी तरह से सिलाई दे देनी है, जैसे हमने इस वाले कॉर्नर में दिया है। तो देखिए इस तरह से हम कपड़ा उठाएंगे और यहाँ सीधी एक लाइन दे देंगे और उसी लाइन पे हमने सिलाई दे देनी है। तो इतनी हम सिलाई लगा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग बताइएगा आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वाला आइडिया अच्छा लगा है तो ये भी कमेंट्स में बताना। तो अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। तो देखिए कितनी आसान तरीके से बन के रेडी हो गया है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, एकदम से बन गया है ये वाला ऑर्गेनाइज़र। और मैं इसको किस यूज़ में लेने वाली हूँ ये तो आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह से अब हम ना एक हैंगर ले लेंगे और ऊपर से कर लेंगे फोल्ड। हमने थोड़ा सा ही फोल्ड करना है, जितना हैंगर इसमें फिट हो जाए बस इतना ही फोल्ड करना है। अब इसमें हम लगा देंगे सिलाई। तो देखिए सिलाई भी हमारी अपनी ना लग करके रेडी हो गया है ये, और आपने देखा होगा कितनी जल्दी बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो अब इस तरह का ना एक कार्डबोर्ड ले लेंगे हम, कोई भी कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं, और इसके अंदर हम इसको फिट कर देंगे इस तरह से। तो कार्डबोर्ड लगा दिया है, तो चलिए इसका यूज़ बताते हैं। तो हमने ये बाथरूम में लगाया है, जो हमारे गंदे कपड़े रहते हैं, हम नहाते हैं और कपड़े हमारे पड़े रहते हैं, इधर उधर समझ नहीं आता, कभी इधर टांग देते हैं कभी उधर टांग देते हैं, तो वो आप इसमें रख सकते हैं, बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे। अभी तो मेरे पास थोड़े से ही कपड़े थे, वो मैंने इसमें रखे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे। तो ये आइडिया आपको मेरा कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इसी तरह से मैं अपना दूसरा आइडिया लेकर आई हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए नंबर दो आइडिया दिखाते हैं हम कि अब हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो हमने इस तरह का ना एक और दुपट्टा ले लिया है, तो इसको हम हाफ फोल्ड करेंगे, पूरा हमने इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से, और ऊपर से भी दोनों तरफ से हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे इसको। अब इसका एक कोना उठाएंगे और ऊपर की साइड ना हम इसको रख देंगे इस तरह से, हमको उसको डबल करना है।
अब हमने ना इसमें एक मार्क लगा देना है कम से कम 10 इंची का। तो इसी तरह से ऊपर की साइड हम लगाएंगे 10 इंची का। तो इस तरह से हमने मार्क लगा लिए हैं 10-10 इंच के ये। तो अब हमें ना 1, 2, 3 बॉक्स मिल गए हैं ये। तो इन तीनों बॉक्सों में हमें यहाँ पर लगा देनी है सिलाई। आप चाहें वही हाथ से लगा सकते हैं या मशीन से लगा सकते हैं। तो मैंने तो इसमें हाथ से लगाई है सिलाई। तो इन सब में से आपको कौन सा ज़्यादा आइडिया पसंद आया है वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये वाला आइडिया भी ना मेरा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो पूरा वीडियो देखना तभी पसंद आएगा ये वाला आइडिया, मतलब मैंने क्या बनाया है ये। तो फटाफट से हम इसमें भी सिलाई लगा लेते हैं। इतने हम सिलाई लगा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना वीडियो। तो इस तरह से अब हम ऊपर की साइड लेंगे, एक हैंगर रख देंगे इसमें और ऊपर की साइड भी ना हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। चाहे आप मशीन से भी लगा सकते हैं इसमें सिलाई, पर हाथ से जो मतलब मैंने सिलाई लगाई है सुई धागे से, ये भी बहुत ज़्यादा मज़बूत है, कहीं जाने वाली नहीं है ये वाली सिलाई। तो ये वाला आइडिया भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए इस तरह से ना, ये देखिए इस तरह से इसमें ये बन गया है एक बॉक्स और एक ये बन गया है और एक इधर के साइड बन गया है। तो अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं अपने पर्स रखने के लिए इस तरह से। तो इसमें ना काफ़ी सारे पर्स आ जाएंगे। ये देखिए नंबर एक पर्स मैंने ये रख दिया है, और भी मैं बहुत सारे इसमें पर्स रख सकती हूँ। तो देखिए 1, 2, 3 तो इसमें बन ही गए हैं, और इसके जो अंदर भी हैं ऑर्गेनाइज़र कर सकते हैं, इसमें और कुछ सामान भी रख सकते हैं। पर्स नहीं तो आपने किट्स वगैरह या फिर मेकअप का सामान वो भी रख सकते हैं। तो आइडिया नंबर 3 ये भी बहुत यूज़फुल है। तो देखिए ये भी मेरे पास ना मेरा एक दुपट्टा पड़ा हुआ था और हैवी दुपट्टा था, वो ना एक तरफ से जब मैं प्रेस कर रही थी ना तो वो जल गया था। तो इस तरह से मैंने ले लिया है, एक अस्तर का कपड़ा ले लेंगे और एक मेन फैब्रिक लेंगे अपना, और जो हमने उसके नीचे लगाने वो वाला कपड़ा लेंगे। इस तरह से हम लगा लेंगे कपड़े और यहाँ से यहाँ तक हम लगा देंगे इसमें सिलाई। देखिए फटाफट से हमने लगा लिया सिलाई। अब इस तरह के ज़िप ले लेंगे हम, ऊपर की साइड हम ज़िप लगा देंगे। तो फटाफट से ये ज़िप भी हमारी लग के रेडी हो गई। इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे तो दूसरी तरफ भी हम इस तरह से लगा देंगे। तो ये वाला जो है ना हम सिलाई का दिखा रहे हैं आइडिया, तो फटाफट से लगा देंगे हम इसमें। तो देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है। अब दो इस तरह से ना हम स्ट्रिप बनाएंगे और हम वो भी इसमें लगा देंगे। तो ये दो बन गई हैं हमारी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो है ना हम इसमें अटैच कर देंगे इसको, ये भी हम सिलाई लगा देंगे इसमें। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। अब ये वाले दो कॉर्नर हम उठाएंगे और इस तरह से ना इसमें भी हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कितना अच्छा पर्स बन के रेडी है। अगर ये वाला आइडिया आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना आप, और कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया ये भी बताना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय।